दिल्ली आगरा रेल रूट पर आज देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन दौड़ी। सुबह 10:10 पर गतिमान एक्सप्रेस ने आगरा के लिए रफ्तार पकड़ी और 99 मिनट बाद 11:49 पर तय वक्त से ये पहले ही पहुंच गई। रेल की पटरियों पर उड़ते हुए गतिमान एक्सप्रेस रफ्तार की उम्मीदों की पहली परीक्षा में खरी उतरी। रेल की पटरियों पर 160 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से गतिमान एक्सप्रेस ने देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का खिताब अपने नाम कर लिया। हाई स्पीड ट्रेवल के सेगमेंट में भारतीय रेल एंटर कर गई है। देश के लिए, लोगों के लिए, भारतीय रेल के लिए गौरव के क्षण। आज सुबह 10:10 पर दिल्ली के निजामुद्दीन से जब गतिमान एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ी तो हर कोई बस देखता ही रह गया। तय समय से 1 मिनट पहले 11:49 पर आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर गतिमान एक्सप्रेस पूरे जोशो खरोश के साथ पहुंची। सजी धजी ट्रेन, साफ सुथरे अल्ट्रा मॉडर्न कोच और पहली बार ट्रेन होस्टेस के साथ गतिमान एक्सप्रेस अपने पहले सफर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। मुझे नहीं पता था कि आज बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। मैं स्टेशन आई तो मुझे पता चला, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और मैंने ट्रेन बोर्ड कर ली। जो लोग शॉर्टली प्लानिंग करते हैं और विद इन वन डे करते हैं उनको बहुत बढ़िया है कि सुबह निकलना और शाम को रिटर्न आना। गतिमान के सफर की शुरुआत के साथ ही भारतीय रेलवे के इतिहास में 5 अप्रैल का दिन सुनहरे अध्याय के तौर पर जुड़ गया। दिल्ली और आगरा के बीच 7 बार इसका ट्रायल किया गया। आखिरी ट्रायल 22 मार्च को हुआ था। आज शाम 5:50 पर आगरा से दिल्ली के लिए वापसी की राह पकड़ेगी। लेकिन गतिमान एक्सप्रेस हफ्ते में शुक्रवार के अलावा सभी दिन चलेगी। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहने की वजह से ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा। गतिमान एक्सप्रेस रोजाना हजरत निजामुद्दीन से सुबह 8:10 पर चलेगी और आगरा कैंट पर सुबह 9:50 पर पहुंच जाएगी। बीच में ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं है। शाम 5:50 पर आगरा कैंट से रवाना होगी और शाम 7:30 हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन की खासियत इतनी है कि देश में चल रही राजधानी और शताब्दी भी कहीं नहीं ठहरती। पहली बार किसी ट्रेन में ट्रेन की तरह ट्रेन होस्टेस यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए है। गतिमान एक्सप्रेस में 12 AC अल्ट्रा मॉडर्न कोच, ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए हैं। ट्रेन में फ्री वाईफाई और ऑन बोर्ड इंटरनेट की सुविधाएं दी गई हैं। स्मार्टफोन पर गाने भी डाउनलोड करने की फ्री सुविधा है। गतिमान को गति देने के लिए 5400 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन लगा है। कोच को इस तरह से बनाया गया है कि यात्रियों को झटके कम महसूस होंगे। सारी सुविधाओं के बावजूद कुछ यात्रियों ने दिल्ली आगरा की सुखद यात्रा में कमियों का भी जिक्र किया। छोटी छोटी चीजें, बुनियादी चीजें ही इंसान के लिए सफर में काम आती हैं। जैसे टॉयलेट में टॉयलेट रोल होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आता है अपना टॉयलेट में, फॉरेनर्स आते हैं, बाहर के हमारे पर्यटक आते हैं, उनको ये चीजें, बुनियादी चीजें जरूरत आई है। गतिमान एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। किसी भी हादसे के समय जल्द से जल्द मदद दी जा सके, इसके लिए यात्रियों के लिए ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं जिनसे वो अपने सहयात्री की मदद ले सकेंगे। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार और 8 सामान्य AC चेयर कार हैं। लेकिन गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार का लुत्फ उठाने के लिए यात्रियों को शताब्दी से कुछ ज्यादा किराया देना पड़ेगा। चेयर कार के लिए 690 रुपए, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करने के लिए किराया 1,365 रुपए है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो रफ्तार की परीक्षा में पास हो गई गतिमान। सुपर फास्ट सफर, आरामदायक सफर, रेल यात्रियों को और क्या चाहिए।